गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए मतदान हो रहा है। सूबे की कुल 182 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, इसमें से आज पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर, जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, सोमनाथ, भावनगर, भरूच, नर्मदा, तापी, डांग, वलसाड़ जिले में ये मतदान है। इसमें पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। लगभग 2,12,00,000 मतदाता हैं और 977 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। आज का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। जहां सौराष्ट्र के 11 जिलों में मतदान है, वहीं दक्षिणी गुजरात के भी 11 जिलों में मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर 89 सीटों पर मतदान है दक्षिणी गुजरात की, जिसमें 35 सीटें शामिल हैं और मैदान में कुल 977 उम्मीदवार हैं और इसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सीट भी शामिल है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू बगानी, मंत्री बाबू और कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन मोढवालिया भी आज के मतदान में, उनके भी भाग्य का फैसला होना है। और खासा अहम चुनाव गुजरात चुनाव, जिसके पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और जिसमें सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के 11-11 जिलों में ये वोटिंग हो रही है। कुल मिलाकर 89 सीटों पर आज का मतदान है। 977 उम्मीदवार मैदान में, लगभग 2 करोड़ के आसपास मतदाता हैं जो 977 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। ईवीएम के साथ साथ इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम सवाल उठ रहे थे ईवीएम को लेकर और इसको देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने वीवीपैट का भी प्रयोग किया है इन चुनावों में और लंबी कतार लोगों की देखी जा रही है। सुबह से ही लोग उमड़ रहे हैं और जल्द से जल्द अपना वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ के आसपास नजर आ रही है और सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक चौबंद है। लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग वोटिंग करने के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में लग गए और शुरुआत से ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है पोलिंग बूथ के बाहर, जहां लोग अब मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं और खुलकर उत्साह के साथ इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। जहां राहुल गांधी और प्रधानमंत्री दोनों की तरफ से ट्वीट सामने आया और लोगों से अपील की गई थी दोनों के द्वारा कि लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लें। काफी अहम चुनाव है, पहले चरण की वोटिंग जारी है और वहीं 977 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला ये मतदाता कर रहे हैं। आज ईवीएम में इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाएगी। वीवीपैट के जरिए इस बार चुनाव कराए जा रहे हैं। गुजरात में वीवीपैट का भी इस्तेमाल हो रहा है और लोगों की भीड़, लोगों का उत्साह देखता ही बनता है। शुरुआती घंटों में ही लोग जबरदस्त उत्साह के साथ पोलिंग बूथ के बाहर नजर आए हैं और युवा वर्ग में खासा उत्साह नजर आ रहा है। दोनों ही अहम राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आमने सामने की टक्कर है और खासा अहम चुनाव माना जा रहा है। लगभग 2,12,00,000 मतदाता हैं इस विधानसभा चुनाव में के पहले चरण में। गुजरात का पहला चरण है, सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात का यह इलाका है जहां 11-11 जिले सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के, जहां आज मतदान हो रहा है। कुल 89 सीटें इस पहले चरण के मतदान में है, जहां पर लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी कतारें देखी जा सकती हैं पोलिंग बूथ के बाहर। या गुजरात के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। वहीं दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूल्हा दुल्हन की ये तस्वीरें जो वोट डालने पहले पहुंचे हैं और ये दिलचस्प तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनाव के लिए उत्साह किस कदर है लोगों के बीच और ये तस्वीर बता रही है कि लोगों में उत्साह है, वोटिंग को लेकर उत्साह है और लोग किस तरीके से शादी के बीच में से भी वक्त निकाल के आ रहे हैं वोट डालने, यानी वोट पहले और बाकी काम बाद में, शादी बाद में और वोट पहले। जी हाँ, क्योंकि ये वोट आपके भविष्य का फैसला करेगा। आप किस तरीके से अपने राज्य को विकसित करना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए सरकार
एक चुनेंगे और वो सरकार आपके लिए काम करे। तो पहले वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द लोगों की कोशिश है कि जल्द से जल्द वो वोट डालें, इसलिए सुबह के वक्त से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है और निर्वाचन आयोग की तरफ से भी खासे इंतजाम किए गए हैं। वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन चुनावों में ताकि लोगों को संतुष्टि मिल सके। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें इस बार। मेरा नाम निकुंज सुभाष भाई भट्ट है और आज मेरी शादी होने वाली है जिसका नाम वैभवी भट्ट है। हम दोनों अयोध्या नगर भरूच गुजरात में रहते हैं। तो आज हमारा वोटिंग लोकशाही का पर्व है, देश का सबसे बड़ा पर्व लोकशाही का पर्व है, इसलिए हम आज मतदान करने के लिए आए। और जो एक इंडियन पीपल की इंडियन पीपल की फर्ज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हम निभाने आए हैं। भारत माता की जय। तो वोट डालने पहले पहुंचे हैं और आज मेरी शादी है और मुझे बहुत खुशी है कि आज जब हमारी शादी के दिन ही हम आज वोटिंग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए खुशी का त्योहार बन गया है। लोग तमाम कामों को छोड़ के पहले वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों की तरफ से ट्वीट करके लोगों से अपील की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे मतदान करने के लिए, वोट दें ताकि आप एक बेहतर सरकार चुन सकें। वोट आपका अधिकार है, आप तमाम कामों को छोड़िए, वोट दीजिए, उसके बाद तमाम चीजों को अंजाम दीजिए। तो शुरुआती आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उसमें शुरुआती एक घंटे में 8.5% वोट डाले जा चुके हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और सुबह से ही लोग कतारों में लगे थे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी पहुंचे वोट डालने के लिए और लोगों में जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है वो साफ दर्शाता है कि लोग इस बार मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोग खासे उत्साहित हैं अपना वोट डालने के लिए। 977 उम्मीदवार हैं इस पहले चरण की वोटिंग में जिनके भाग्य का फैसला ये मतदाता करने जा रहे हैं। 2,12,00,000 मतदाता हैं इस पहले चरण के मतदान में जो 977 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने हैं, तमाम मुद्दे हैं और चुनाव काफी दिलचस्प है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वोट डालने के लिए पहुंचे और सुबह के वक्त तमाम दिग्गज राजनीतिक दलों के नेता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अपना वोट डाला, अपने परिवार के साथ वो वहां पहुंचे और वोट डाला और लोगों से अपील भी की कि ज्यादा से ज्यादा आप वोट करें। और ये पोलिंग बूथ पे जाने से पहले की तस्वीरें हैं जब विजय रूपाणी अपने घर से निकल रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और इसके बाद सीधे वो पोलिंग बूथ पहुंचे जहां उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अपने परिवार के साथ पहुंचे। और राजनीतिक दलों के लिए खासा अहम दिन भी बन जाता है और लोकतंत्र में खासा महत्वपूर्ण दिन होता है वोटिंग का दिन, जिस दिन आप फैसला करते हैं सरकारों का और एक वोट राजनीतिक पार्टियों के लिए खासा अहम हो जाता है। जब सरकारें बनती और बिगड़ती हैं मुद्दों के आधार पर आप अपने वोट को देते हैं और चुनते हैं एक बेहतर विकल्प। एक घंटे में शुरुआती एक घंटे में 8.5% वोटिंग हो चुकी है, खासा तेजी के साथ वोट डाले जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह रफ्तार क्या दिन भर रहती है। ये शुरुआती आंकड़े हैं क्योंकि अमूमन देखा यह जाता है कि शुरुआती 3 से 4 घंटे में लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द अपना वोट डाल के वो फ्री हो जाएं, लेकिन अब देखना यह होगा कि 11 बजे के बाद किस तरीके की वोटिंग ट्रेंड सामने आते हैं, लोग कितना बाहर निकलते हैं 11 बजे के बाद। आपके प्रथम चरण के आज चुनाव हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब अपने वोट का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र के इस प्रणाली को पवित्रता के साथ उसका उपयोग करें। और ये आज का दिन 14 तारीख उत्सव की तरह उसको संजोए और
भारी से भारी मतदान करने के बाद। इट इज ऑल बेसलेस, पहले भी मैं कभी था, अभी हूँ और फ्यूचर में भी कभी रहूंगा सीएम का कैंडिडेट। और ये जो नीच वाली जो बात जो कही जा रही है जिस पर अभी भी उसी का कांग्रेस ने एक्शन ले ली, इससे पहले यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने सोनिया जी के लिए क्या क्या कहा है, कांग्रेस के नेताओं के लिए क्या कहा है, राहुल जी के लिए क्या क्या, किसी एक के भी एक्शन लिया है क्या? तो मोदी जी ने तो लंबी लिस्ट लाई कल और सबके नाम गिनाए, दिग्विजय सिंह से लेके सबके। हमने भी तो लंबी लिस्ट गिनाई है, तो सोनिया जी को क्या क्या नहीं कहा था, वो तो जिम्मेवार थे यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा मैं रिपीट करना नहीं चाहता। पर आप मुतमईन हैं कांग्रेस की जीत के? बिल्कुल 100% निसंदेह। कितना कॉन्फिडेंस इस बात ये बात परिवर्तन है? बिल्कुल 100%, 110 से ज्यादा सीटें आएंगी कांग्रेस। थैंक यू भैया। रेडी अहमद भाई आवाज, अरे भाई आपसे आपसे एक साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल जो साफ तौर पर कह रहे थे कि 110 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीत रही है इन चुनावों में, और अहमद पटेल खासे महत्वपूर्ण शख्सियत है गुजरात में कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस पार्टी की एक जीत माना गया था जब अहमद पटेल ने वो राज्यसभा सीट जीती थी। रात भर की मशक्कत के बाद कांग्रेस ने जोर लगा दिया था और वो सीट जब भारतीय जनता पार्टी से छीनकर अहमद पटेल ने जीती थी तो वो एक फैक्टर बन गया था जिसने एक मोरल बूस्ट किया कांग्रेस का ताकि वो विधानसभा चुनाव में भी हमला बोल सके भारतीय जनता पार्टी पे। तो अहमद पटेल का साफ तौर पे कहना कि 110 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है कांग्रेस गुजरात विधानसभा चुनावों में।